हेलो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मेल के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। ये मेल सभी स्टूडेंट्स को आया रहेगा इंस्टीट्यूट के साइट से, ICSI से। दो स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग फॉर जून एग्जामिनेशन, भले वो एग्जीक्यूटिव हो, प्रोफेशनल हो, फाउंडेशन हो, उनके लिए ये मेल इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि ये मेल आपने स्किप ना कर लिया हो, ठीक है ना। बात कोरोना और ये बाकी सिनेरियोस के चक्कर में आप शायद और एक उम्मीद लेके बैठे हो कि आप एग्जाम शायद पोस्टपोन्ड हो सकता है, मे और मे नॉट बी। तो इंस्टीट्यूट से एक मेल आया है आज की डेट पे कि बेसिकली 15 अप्रैल, मतलब कल, टुमारो इज द लास्ट डे फॉर फिलिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म। एग्जाम फॉर्म फिल करने का लास्ट डे कल है। उन्होंने बहुत ही क्लियरली बोला है कि 15 अप्रैल के बाद, टुडे इज 14 अप्रैल, 15 अप्रैल के बाद दे विल नॉट एक्सेप्ट एनी एप्लीकेशन फॉर जून एग्जामिनेशन। तो एज ऑन दिस डेट इस मेल से क्लेरिफाई होता है कि इंस्टीट्यूट इज गोना कंडक्ट एग्जाम इन जून। लेट्स सी इन द फ्यूचर, दे मे और मे नॉट, बट फिलहाल आज के डेट पर आपको ये समझना है कि आपका एग्जाम जून में है और आपका एग्जाम फॉर्म का लास्ट डे कल है। अगर जून में एग्जाम कंडक्ट हो गया और आपने एग्जाम फॉर्म नहीं भरा तो आपका अटेम्प्ट अननेसेसरी दिसंबर में जाएगा। तो लेट्स सी विद द मेल, जो मेल आया है यहाँ पे येल्लो में उन्होंने बोल्ड लेटर में लिखा है। देखो यहाँ से ध्यान से, उन्होंने डेट एक्सटेंड भी किया था, मतलब लेट फी नहीं लेंगे 15 अप्रैल तक ऐसा बोला था। विदाउट लेट फी तक लास्ट डे 15 अप्रैल के बाद एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इफ यू रीड दिस, यहां पे देखना, द लेट फी हैज बीन वेव्ड फॉर जून 2020 एग्जामिनेशन। नोट नोट ध्यान से पढ़ना, मे रेफर प्रिपेयर, सॉरी, यहाँ पे एक नोट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नो एप्लीकेशन शाल बी कंसिडर्ड फॉर अपियरिंग इन जून 20 अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस आफ्टर द लास्ट डेट 15 अप्रैल। कोई भी एप्लीकेशन को कंसिडर नहीं किया जाएगा जो भी 15 अप्रैल के बाद अगर फिल कर रहे हैं। अगर आपको जून एग्जाम देना है, 15 अप्रैल कल का लास्ट डे है, आपको ये ध्यान में रखना है। अब दो बातें और, अगर आपको एग्जाम अपियर करना है तो देर वॉज अ क्राइटेरिया कि भाई आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम अटेंड करना है और आपको कुछ प्री एग्जामिनेशंस के क्लियर करने थे, तो उन्होंने उसमें थोड़ा रिलीफ लाया है। ये सारे जो ओरिएंटेशन और प्री एग्जामिनेशन पे रिलीफ लाकर उन्होंने एक्सटेंड कर लिया, दैट इज 30 अप्रैल, बट आपको एग्जाम फॉर्म 15 अप्रैल तक ही फिल करना है। देखो उन्होंने नीचे लिखा है, नीचे लिखना है कि देर वर सम क्राइटेरियाज, प्री एग्जाम टेस्ट, प्री एग्जामिनेशन टेस्ट एंड वन डे ओरिएंटेशन, ठीक है ना बात। बट उन्होंने यहाँ नीचे लिखा है, इन व्यू ऑफ क्राइसिस इन द कंट्री ड्यू टू कोरोना आउटब्रेक, इट हैज बीन डिसाइडेड टू टेम्पररली रिलैक्स द कंडीशंस पर्टेनिंग टू प्री एग्जाम एंड वन डे गिवन बिलो। ओके, तो उन्होंने बता दिया है कि इस चीज में वो लोग पहले बेसिकली उसको थोड़ा टाइम देने को तैयार है, प्री एग्जाम और वन डे ओरिएंटेशन। उन्होंने मेंशन किया है 30 अप्रैल 2020 तक आपको ये जो दो क्लॉसेस है, ओरिएंटेशन और प्री एग्जाम, ये आपको कंप्लाई करना है। उसके बाद अगर आप ये कंप्लाई नहीं कर पाए, 30 अप्रैल तक नहीं कंप्लाई कर पाए, तो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाएगा और आपने जो फीस भरी थी, एनरोलमेंट एग्जामिनेशन फीस भरी थी, उसका 50% भी आपका फॉरफिट किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। तो कंक्लूजन ये है, जो भी जून एग्जाम दे रहे हैं, फिलहाल आपको ये समझना है फिलहाल के लिए कि आपका जून में एग्जाम है और आपको एग्जाम फॉर्म भरना कंपलसरी है। आप इस पूरे सिनेरियो में एग्जाम फॉर्म फिल करना भूल तो नहीं गए, बहुत सारे स्टूडेंट ने फिल किया रहेगा, बट रिमाइंडर मेल। और जो भी हो, ओरिएंटेशन और बेसिकली प्री एग्जामिनेशन, इसका लास्ट डेट 30 अप्रैल है, थोड़ा एक्सटेंड किया उन्होंने उस केस के लिए, और 30 अप्रैल के बाद आपको ये कंप्लाई नहीं कर पाए तो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेंगे। तो कीप ऑन स्टडिंग, फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म, डोंट स्किप योर अटेम्प्ट बाय 6 मंथ्स। बेस्ट विशेस, थैंक यू।